नूरपुर के वडवार क्षेत्र के पास देर रात एक ट्रक जो कि कांगड़ा की तरफ जा रहा था गहरी खाई में गिर गया है। ट्रक के गहरी खाई में गिरने से ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। ट्रक में सवार दूसरे आदमी को घायल अवस्था में नूरपुर के सिविल अस्पताल में लाया गया। यहां स्थिति को गंभीर देखते हुए टांडा उसे रेफर कर दिया है। मनोज कुमार का पोस्टमार्टम कर सबको परिजनों के पास सौंप दिया जाएगा। नूरपुर के भटवार के पास देर रात एक ट्रक जो कि कांगड़ा की तरफ जा रहा था गहरी खाई में जा गिरा। ट्रक के गहरी खाई में गिरने से ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई और ट्रक में सवार दूसरे आदमी को घायल अवस्था में नूरपुर के सिविल अस्पताल लाया गया। ये स्थिति को देखते हुए उसे टांडा रेफर कर दिया गया। नूरपुर के थाना प्रभारी मोहनलाल भाटिया ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि देर रात एक ट्रक नंबर HR 67C 5001 कांगड़ा की तरफ जा रहा था और भटवार के पास अचानक गहरी खाई में गिर गया। NDRF व स्थानीय लोगों की सहायता से मनोज कुमार के शव को बाहर निकाला गया। गहरी खाई में गिरने पर ट्रक चालक मनोज कुमार की मौके पर ही मौत हो गई और परिचालक नसीम सुपुत्र शमीम जो भी बुलंदशहर का रहने वाला है घायल अवस्था में नूरपुर सिविल अस्पताल लाया गया जहाँ से उसे टांडा रेफर कर दिया गया। 24/5/2019 थाना पर सूचना मिली कि एक ट्रक नंबर HR 67C 5001 जो कांगड़ा की तरफ जा रहा था काफ़ी गहरी खाई में गिर गया है, जिस पर पुलिस टीम मौका पर पहुंची तो जो घायल कंडक्टर था उसको उपचार के लिए अस्पताल नूरपुर ले आए थे। तो घायल ने अपना बयान जो है जो पुलिस के पास दिया उस पर जो है मामला दर्ज कर लिया गया है। घायल नसीब कंडक्टर जो है इसको प्रथम उपचार के बाद रेफर टांडा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा के लिए रेफर कर दिया गया है। बाकी जो ट्रक का चालक था मनोज कुमार, ये ट्रक काफ़ी गहरी खाई में गिरने के कारण इसका पता नहीं चल पा रहा था, जिस पर मौके पर NDRF की टीम के जवानों को बुलाकर पुलिस व स्थानीय लोगों तथा NDRF टीम के सदस्यों द्वारा काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद मृतक चालक मनोज कुमार का शव निकाला गया है, जिसका पोस्टमार्टम नूरपुर अस्पताल में करवाया जा रहा है। जो उसकी बॉडी दाह संस्कार के लिए बाद पोस्टमार्टम उसके परिवारजनों को सौंप दी जाएगी और मामले की छानबीन जो है वो जारी है।